नमस्कार, न्यू कॉर्बिट समाचार में आपका स्वागत है। हम इस समय रामनगर से करीब लगभग 20 किलोमीटर के प्राचीन मंदिर है सीतापुरी, जिस जो के नाम से फेमस है, और यहाँ पे जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है और हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी हैं। आइए बाबा जी से पूछते हैं जो ये मंदिर जो है क्यों फेमस है। बाबा जी, पहले तो आपका न्यू कॉर्बिट समाचार में आपका स्वागत है। जय माता दी। बाबा जी, ये जो सीतापुरी का जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर, यहाँ पे ये इसकी मान्यता क्यों क्यों फेमस, थोड़ा बताइए। यहाँ पे ये माना जाता है जब सीता जी को रामचंद्र जी ने त्याग किया था सब के कहने पे, तो लक्ष्मी जी ही छोड़ गए थे इसी वन में, इसलिए वन का नाम ही सीतापुरी है। तो तब ही वाल्मीकि तपस्या करते थे, तो वाल्मीकि के साथ रही और यही उसका जन्म हुआ, यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बाबा जी, जैसे ये बहुत पुरानी जैसे कथा है, सतयुग के ज़माने की है, तो यहाँ पे ऐसे क्या चीज़ें मिली जिससे आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे? तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, किताबों में इसका इतिहास मिलता है, किष्किंध पुराण में या महाभारत में श्रीराम का उल्लेख मिलता है। और यहाँ कुछ जैसे नाम है, रामपुरा नामक गाँव है, वहाँ पर राम जी की सेना रही, और यहाँ भरतपुर है, भरत जी की सेना रही, इस तरह के अवशेष यहाँ बताते हैं। बाबा जी, आप लगभग कितने समय से यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे इस मंदिर में? मुझे यहाँ पे भी 12 साल हो रहे हैं। जैसे ये घनघोर जंगल के बीच में है, तो जैसे आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो कभी जानवर जैसे आते होंगे यहाँ पे? हाँ हाँ, जानवर आ जाते हैं, हाथी तो कई बार आ जाते हैं, तोड़ फोड़ नुकसान करता है, उनसे गाड़ी बंदूक से फैर करके हम भगाते हैं। और शेर बाघ तो कभी कमी आता है, आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, फिर वो आ गया, दरवाज़ा बंद कर दो तो वो तो चला जाता है, लेकिन हाथी नुकसान करता है, उसको भगाना पड़ता है। जैसे बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, बहुत से लोग आते होंगे यहाँ पे, हम जैसे मान्यता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट की भी सुबह शाम चलता है, ये अभी 4 महीने बंद रहता है बरसातों, बाकी यहाँ पब्लिक आती है, यहाँ हल्की भी शादियाँ भी होती हैं, और यहाँ यज्ञ पोत्र संस्कार भी होते हैं, और लोगों की पब्लिक आते रहती है। तो कुछ ऐसी कोई कहानी हो जो सीता मैया के विषय में हो, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब ऐसा तो और हमें ज़्यादा इस पर मामले कुछ मालूम नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि यही सीता माता सफाई है, लेकिन यहाँ समाज के आवश्यक तो है नहीं। जैसे यहाँ पे 3 धारे बहते हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक में गर्म पानी, एक में सफ़ेद ठंडा पानी, एक में दूध बहता था। हाँ, कितना सच है ये? बताते हैं कि पहले दूध बहता था, हम तो नहीं मान सकते इस बात को, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, इसका कोई प्रमाण है नहीं, ना उनके समाज के यहाँ कोई प्रमाण है, वो कहते हैं यहाँ समाज, लेकिन यहाँ समाज का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब अभी मान्यता ये है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो है वो रही है, जैसे? हाँ, यहाँ पर रही है और लोग उसका जन्म यहाँ हुआ, ये इसकी मान्यता बताई गई है। लव कुश के कितने समय तक यहाँ पर रहे? जैसे वो काफ़ी समय यहाँ पर रहे, शिक्षा इच्छा उनकी यही हुई और उसके बाद यहाँ से आगे भी बढ़ गए होंगे। अभी हमारे साथ थे बाबा जी, और इन्होंने यहाँ की कथा के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है सीतामयी जो है यहाँ पर लव कुश पैदा हुए थे, और जो है समाने का कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं इनके पास, लेकिन जैसे मान्यता है कि यहाँ पर सीता मैया जो यहीं समाई है, और जो है बच्चों को भी उन्होंने यहीं जन्म दिया है, और बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत से लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाए होंगे, तो हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये दिखाएंगे कि ये जो है ये बहुत शांत और बहुत सुंदर जैसी जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे घनघोर जंगल भी है, और जो जानवर भी यहाँ जैसे आते हैं, और मैं अपने साथी पत्रकार से कहूँगा थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा दिखाएं। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी की यहाँ पे, हनुमान जी की मूर्ति है, स्थापित की गई है। ये बाबा जी मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइए। मूर्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो हमसे पहले जो बाबा जी रहते थे उन्होंने स्थापित की है यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का, तो फिर हनुमान जी ने यहाँ घोड़े को पकड़ा था, भी यहाँ माना मान्यता है, कहाँ पकड़ा था, क्या था, इसका भी ऐसा उसका प्रमाण है नहीं। बाबा जैसे ये जंगल है जो आपने बताया इधर आइए, तो ये बड़ा घनघोर जंगल है, आपने ये तालाब जैसा भी है, यहाँ पे जानवर भी आते होंगे पानी पीने के लिए? हाँ, यहाँ जानवर आते रहते हैं, कई बार आ जाते हैं यहाँ पे, और बाकी घनघोर जंगल हुआ सारा, चारों तरफ जंगली जंगल हुआ, 10 किलोमीटर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं हुई, तो जानवर आते रहता है। कभी आपने भी देखा बाबा जी जानवर को? हाँ हाँ, कई बार। किस चीज़ को देखा आपने? हाथी तो कई बार यहाँ आ जाता है, लेपर्ड भी दिखता ही है, टाइगर भी कई बार दिख जाता है, लेकिन कभी किसी का नुकसान, जैसे जानी माली नुकसान नहीं हुआ? ना, ऐसे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अभी जंगल में एक दो बार हाथी ने एक दो उसको मारा था। इतिहास के बारे में बताया,
तो बाबा जी हम चाहेंगे जैसे और जो दर्शक यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं वो देखना चाहना है तो ऐतिहासिक चीज़ें देखनी चाहिए जैसे। हाँ 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 बिल्कुल, तो ऐतिहासिक चीज़ हुआ यहाँ से इसका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। फिर कुछ सालों से इसका प्रचार हुआ, पहले यहाँ बहुत कम पब्लिक आ चुकी है, पहले लोगों को इतना मालूम नहीं था। पहले रास्ता ही बहुत सक्रिय था आने जाने, बहुत सक्रिय था पहले, वो जंगल हुआ। अभी हमारे साथ थे बाबा जी, इन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया और मान यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ सीता माई यहाँ पे आई थी, लव कुश को पैदा किया, और कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे सवाई भी है। अब ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इसके बारे में हम भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है। और ये महाराज जी ने भी स्थापित किया था, दत्तात्रेय महाराज को भी उन्होंने, हमसे पहले बाबा जी रहते थे, उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापित की यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और ये राम दरबार आपने बताया बाबा जी? हाँ, ये राम दरबार है, इसमें सीता माता भी है बीच में, और लोग पूछते हैं कि यहाँ बीच में कैसे है, और जो तो एक साइड से होती है ना माता, और इसमें बीच में है, एक ही मंदिर यही है कि जहाँ बीच में है, बाकी हर जगह नहीं तो बाएँ तरफ होती है माता। तो इसकी क्या कथा है बाबा जी? अब ये तो हमें इतना ज़्यादा मालूम नहीं, इससे पहले जो बाबा जी ऐसे होने ही बनाई थी ये मूर्ति। अच्छा, ना कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा इसका। हाँ, इसका कुछ इतिहास रहा होगा पहले। अभी हमने बाबा जी से बात की, उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बहुत पवित्र जगह है, और आप भी यहाँ पर पहुँचिए और देखिए और माता के दर्शन करिए। सीता बनी से कॉर्बर्ट समाचार से उधम सिंह राठौर की विशेष।